काफ़ी खर्चा भी कम हुआ है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे जाट रांधने के लिए गोश्त या लकड़ियों की जी 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 हाँ। उसकी परेशानी नहीं देखनी पड़ती जी जी महीने के 30-40 हज़ार रुपये। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इन्होंने यूज भी कर लिया ये। तो वैसे कितना यूज किया है? नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं झज्जर जिले के सफीपुर गांव के अंदर, और रोड को देख के और यहाँ के नज़ारों को देख के आपको लग रहा होगा कि गांव का नज़ारा है। हाँ जी, अलग अलग है दोनों गांव, और दोनों बड़ा गांव है। वहाँ पे एक निखिल नाम का किसान है, बहुत युवा किसान है, रोजगार के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन का काम भी करता है, और आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए अपने खर्चों को भी कम करने का काम किया है। तो अभी हम पहुंच गए निखिल भाई साहब के डेयरी फार्म के ऊपर, और इन्होंने फार्म के साथ साथ बायोगैस का भी इस्तेमाल किया हुआ है। आइए देखते हैं। एक बार थोड़ा सा उठाएगा छोटू, एक बार पतीला थोड़ा सा एक बार साइड का। अभी तो इन्होंने यूज भी कर लिया ये। तो वैसे कितना यूज किया है गैस? हम तो ड्राइवर चाल कर रहा है, सुबह से चल रहा है। तो ये मतलब चाट का ही काम करते हो ऑफिस से? कितनी चाट बना, मतलब सभी पशुओं की इसी से बन जाती है? सर्दियों में तो कम हो जाती है, सर्दियों में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। बाकी इसके ऊपर ना थोड़ा सा और मिट्टी डाल दो आप, या कोई पूड़ी वूड़ी डाल दो सर्दी में। अब तो फिर मौसम ठीक हो गया, इतना नहीं आगे से ध्यान रखो, मतलब जब भी पी ठीक है सर, वो उसमें वो नोजल निकालनी पड़ती है ऑक्सीजन की, और इसमें जैसे उसमें वो ऑक्सीजन के लिए वो खुला होता है पाइप, कट होता है उसमें जी, वो ऑक्सीजन हवा मिक्स होकर जाती है उसमें, इसमें हवा नहीं जा रही। निखिल सफीपुर गांव जिला झज्जर का रहने वाला हूँ मैं, और दो साल से मैं ये पशुपालन का, और ये उसी के साथ साथ मैंने ये गोबर गैस प्लांट लगवाया था। गोबर गैस प्लांट के काफ़ी फायदे हैं, एक तो हमारे ईंधन की बचत हो जाती है, और जो खाद है उसका उपयोग करते हो जाता है। इस खाद को हम पानी में बहा देते हैं, मतलब इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। डी ए पी यूरिया से अच्छा भाई साहब, इसे बायोगैस से बनने वाली गैस है, उसका आप कैसे और कहाँ इस्तेमाल करते हो? बायोगैस का इस्तेमाल ये सभी पशुओं का जो डाट है उसको रांधने के लिए कर रहे हैं। जी जी, लगभग कितने पशु आपके पास? लगभग यही है 13-14, यही एवरेज रहती है जी, 13-14 की एवरेज रहती है। अच्छा, इनसे आपको कितनी इनकम हो रही है? इनसे महीने के लगा लो आप, मतलब ये नए पुराने होते रहते हैं, महीने के 30-40 हज़ार रुपये। अच्छा 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 जी, जो ये बायोगैस का प्लांट लगाया आपने, इसकी वजह से आपका खर्चा कुछ कम हुआ है? हाँ, काफ़ी खर्चा भी कम हुआ है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे जाट रांधने के लिए गोश्त या लकड़ियों की जी 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 हाँ, उसकी परेशानी नहीं देखनी पड़ती जी जी, क्योंकि ओल्टेरियम होता जो डलिए को रांधता है, तो उसके पास उबलों की और लकड़ियों की कमी रह जाती है हमेशा जी जी, खासकर अपने बरसात जी जी तो हमें ना ही उस दिक्कत का सामना करना पड़ता जी जी जी, मतलब एक वेल मेंटेन चीज़ है जी जी जी, काफ़ी मदद हो रही है। तो मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपकी तरह कोई डेयरी वगैरह कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाँ जी, अगर आप डेयरी कर रहे हैं तो गोबर गैस प्लांट जरूर करें, एक हाँ। तो आपकी खाद ऐसी की ऐसी बच जाएगी जी जी जी, और इस एनर्जी का आप अच्छी तरह से उपयोग कर पाएंगे जी जी, काफ़ी फायदा है। ठीक है भाई, भिवानी से? हाँ, भिवानी साइड का। भाई अपने बड़ा लोग रखा ही बढ़िया है, तो अंदर से हिलाने का बड़ा खतरा है, प्रॉब्लम क्या हो जाती है हाँ। तो ये उद नहीं है हाँ। ये मतलब जी जहाँ पे घास है हाँ। यहाँ पर इतनी जगह है, मतलब वो तो पता है मेरे को नहीं हाँ। उसको फिर कैसे करते हो? खाली कर सकते हो? सेफ्टी टैंक से निकलवाया है, सेफ्टी टैंक से ही निकलवाते हो? अभी तक बाकी ऐसी नहीं, ऐसी आती नहीं, क्योंकि आपको तो वैसे पक्का है अंदर। इसमें बाकी ना इधर से कोई अपने पास जैसी लकड़ी अपनी कुर्सी लकड़ी लेके
और वो उसको खोद मार दिया तो उसने थोड़ा सा हिला दिया करो, उधर से गोबर घोड़ के तैयार करके उसको हिला दो एक बार 5-7 मिनट, उधर से फिर गोबर छोड़ दो, थोड़ा बहुत सीटिंग होगी वो ठीक हो जाएगा, निकलती रहेगी, अच्छी निकल सकती है। मजा आ रहा है सर में, चलो भाई।